भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच एक नई और दुर्लभ बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिसे ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी ब्लैक फंगस संक्रमण के कई मामले सामने आए थे और इसके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मंजल के मुताबिक पिछले 6 दिनों में अस्पताल में म्यूकोर माइकोसिस के 6 मामले सामने आए। उनके मुताबिक कोविड-19 द्वारा ट्रिगर किए गए इस खतरनाक संक्रमण में फिर से वृद्धि देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 रोगियों के उपचार में स्टेरॉयड का उपयोग फंगल संक्रमण का एक कारण हो सकता है। पिछले साल भी डॉक्टरों का यही कहना था कि ज्यादा स्टेरॉयड लेने वाले मरीजों में ये बीमारी नजर आने लगी है। कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस? विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस संक्रमण यानी म्यूकोर माइकोसिस बीमारी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। ये बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। शरीर में कैसे घुसता है ब्लैक फंगस? विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस हवा में रहता है या आपकी नाक से होते हुए बलगम में मिलकर नाक की चमड़ी में घुस जाता है। इसके बाद म्यूकोर माइकोसिस बीमारी तेजी से फैलती है और मस्तिष्क तक चली जाती है। इस बीमारी में मृत्यु दर 50% है। आइए आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण क्या हैं। नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक बंद होना शुरू हो जाना, ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना शुरू हो जाना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना। ब्लैक फंगस संक्रमण का इलाज क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे पहले तो सुनिश्चित ये करना जरूरी है कि मरीज को ब्लैक फंगस संक्रमण ही है। उसके बाद उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगस दवाएं दी जाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दवाई से संक्रमण ठीक हो जाए। अगर दवाई से ठीक नहीं होता तो शरीर के उस हिस्से को काटकर हटाना पड़ता है जिसे फंगस संक्रमण के कारण नुकसान पहुंचा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके इलाज के लिए मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है और इसका इलाज भी काफी महंगा है। आइए आपको बताते हैं ब्लैक फंगस संक्रमण से बचाव के उपाय क्या हैं। ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह पर एंटी फंगल थेरेपी की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए। लोगों को बहुत अधिक धूल के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। जहां पर मिट्टी या काई है वहां आप काम कर रहे हैं तो जूते, लंबी पैंट और दस्ताने पहनें। इसके अलावा त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।